अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम है शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज की रिपोर्ट में मैं ख़ुद ख़बर देने वाला भी हूं और ख़ुद ख़बर भी हूं, मतलब ख़ुद अपने बारे में आपको ख़बर देने में आ गया हूं। ख़बर यह है कि कानपुर पुलिस ने मेरे ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की है। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि 3 जून को कानपुर में जब गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान हिंसा भड़क गई, वायलेंस हुआ, तो सभी मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जा रहा था कि मुसलमान पथराव कर रहे हैं। मैंने उस वक्त उन वीडियोस को ट्वीट किया जिसमें दूसरी तरफ के लोग भी पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस भी वहां मौजूद थी। मैंने सवाल भी किया कि क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे ट्वीट के बुनियाद पर ही पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कानपुर पुलिस ने अभी तक मुझे नोटिस इशू नहीं किया है, मेरे खिलाफ मुझे उन्होंने मेल नहीं किया है, ना उनका फ़ोन आया है, लेकिन सुबह सुबह मुझे बताया गया कि आपके खिलाफ भी FIR की गई है। FIR के फर्स्ट पेज की कॉपी मुझे भेजी गई है जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों को पोस्ट करने की वजह से ज़िम्मेदार ठहराया है और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिसमें 8 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है। जिन्होंने मुझे पहचाना मेरे ट्विटर हैंडल की वजह से, शम्स तबरेज़ की, उन्होंने देखा, उनको लगा कि मिल्लत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी है और पुलिस ने इनको भी शामिल कर लिया। चुनांचे मुझे उन्होंने बताया कि आप ही लग रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा मैं ही हूँ। अब मेरे वो ट्वीट्स क्या थे जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है, पहले मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ। और अगर ये जुर्म है तो फिर ऐसा जुर्म हर कोई सहाफ़ी करता है और करते रहना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज़म में सच बताना, हकीकत को दिखाना ज़रूरी है। गोदी मीडिया हम बिल्कुल भी नहीं बन सकते क्योंकि हमने सच को बेनकाब किया था। मेरा ट्वीट क्या था मैं वो पहले वो आपको बता देता हूं। तकरीबन कानपुर वायलेंस के ताल्लुक से मैंने 3 ट्वीट किए थे, मैंने 3 वीडियो अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी और कुछ में मैंने पुलिस से सवाल भी किया था। मेरा पहला ट्वीट था कानपुर एनयूसी जुमा के दिन जब वायलेंस हुआ था, जिसमें मैंने कानपुर में होने वाले हिंसा की खबर दी थी। आप स्क्रीन पर भी ये ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट को तकरीबन जो वीडियो थी इसमें 18,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था और 50,000 से ज़्यादा इसकी रीच गई थी। उसमें सीधे सीधे खबर थी कि कानपुर में भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा द्वारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जुमा की नमाज के बाद हो रहा था विरोध प्रदर्शन, दोनों समितियों आमने सामने आ गए, पथराव हुआ और बवाल हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा ट्वीट किया था जिस ट्वीट में मैंने पुलिस से सवाल भी किया था। मेरा ट्वीट था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक वीडियो थी और उस वीडियो को पोस्ट करके मैंने लिखा था, भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर प्रदर्शन के दौरान कानपुर में हिंसा भड़की है, दोनों पक्षों में पथराव की घटना से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वीडियो में आपको पुलिस के साथ एक पक्ष दिख रहा है जो पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चला रहा है, क्या कार्रवाई होगी? मेरा ट्वीट था, मैंने सवाल किया था। इस ट्वीट को भी तकरीबन, यानी इसमें जो वीडियो है उसको 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, काफ़ी तादाद में लोगों ने इसको शेयर किया। उसके बाद कल होकर के एक और ट्वीट मैंने किया, मेरा ट्वीट था, वीडियो कानपुर की है जिसमें कुछ गुंडों को पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, पुलिस इनको रोक भी नहीं रही है। रूबिका लियाकत और गोदी मीडिया के पत्रकारों को कानपुर की ये वीडियो क्यों नहीं दिख रही है? दरअसल कानपुर मामले में जूम करके और बड़े पैमाने पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा था कि मुसलमान पथराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी पथराव हुआ था उसको नहीं दिखाया गया। मैंने तीसरी वीडियो शेयर की और कहा दूसरी तरफ के लोग भी दिख रहे पथराव कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। उसके अलावा उसके बाद कल होकर के मैंने एक और ट्वीट किया, कानपुर में होने वाली हिंसा के लिए असल कसूरवार और जिम्मेदार भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा हैं, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि मुसलमानों को सीधे सीधे ब्लेम किया गया था। ये मेरे 4 ट्वीट हैं जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इन ट्वीट्स की बुनियाद पर पुलिस ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और कई लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ये वीडियोज़ है या इस तरह का जो कंटेंट है, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया था और सब लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। एक तरफा तौर पर मीडिया में जिस तरीके से मुसलमानों को दिखाया जा रहा था उस पर सवाल उठाया गया, लेकिन उन सब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सीधे मुझे इस फहरिस्त में टारगेट किया गया और मुझे कहा गया कि मैंने हिंसा भड़काने की कोशिश की या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया फर्जी वीडियो शेयर करने का, भड़काऊ वीडियोज़ डालने का। हालाँकि ये वीडियोज़ ओरिजिनल हैं, वहीं की वीडियोज़ है, मुकम्मल तौर पर साबित शुदा वीडियोज़ है और पुलिस पर सवाल था, पुलिस से पूछा गया था कि पुलिस की मौजूदगी में जिन लोगों ने पथराव किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कई सारी सेक्शन लगा दी गई है। मेरे खिलाफ जो सेक्शन लगाई गई है उसमें सरफहरिस्त है,
आईटी एक्ट 66 और आईपीसी की दफात 505 और 507 के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। मैंने साफ कह दिया, मैंने ट्वीट करके भी बताया कि मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, हकीकत के खिलाफ है। मैंने हकीकत पर मबनी विजुअल को दिखाया था और सवाल किया था, मीडिया के नरेटिव को काउंटर किया था। ईमानदारी के साथ जर्नलिज्म करना मेरा फ़र्ज है, सच्चाई दिखाना मेरा फ़र्ज है। पुलिस मुझे डराने की कोशिश कर रही है, पुलिस मुझे खौफ ज़दा कर रही है। पुलिस चाह रही है कि मैं सच दिखाना छोड़ दूं और मेरी तरह कई लोगों को पुलिस इस तरह डरा चुकी है, लेकिन हम कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, सच हम दिखाते रहेंगे। इसके लिए मुझे जिस तरह की भी कुर्बानियों से गुजरना पड़े, आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सबका तआवुन चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि हम आखिरी दम तक सच का साथ दें, सच्चाई के साथ हम जर्नलिज्म करते रहेंगे। हम इस तरह की FIR से डरने वाले नहीं हैं। मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम सच्चाई के साथ अपना फ़र्ज़ निभाती रहेगी, ईमानदारी पर मबनी जर्नलिज्म हम करते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कितना हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।